धार्मिक देश, जो इस देश के बड़े बड़े ऋषि महर्षि दानी सत्यवादियों के सहारे धरती टिकी हुई है, बड़ा बढ़िया रहल बिरहा, बात भी बढ़िया आप लोगों ने सुना हमारे ललन भाई की ओर से। बिरहा बहुत बढ़िया त्योहार हो, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छे साहब। इंसान अपने गलती को स्वीकार कर ले तो वही महान होता है, जो हट करके लड़ता है वो कायर नहीं होता। अब से भी अगर आप संभल गए तो हमारा दावा है बुलंदी को पा सकते हैं। एक औरत का चरित्र क्या होता है, एक बिरहा हमने गाया, एक हमारे भाई ने गाया, एक माँ का दास्तान, एक बेटे का दास्तान सुने, बेटा हो तो कैसा, यह बिरहा में मैं साबित करके आपको बताऊंगा। चले मास्टर, जरा लाइन पर गौर करेंगे, बेटा वही नाम कुल की बहाव, गीता वही कर्म जोगी बनाती, होती रमाय की सच्ची कहानी जो परिवार में श्रेष्ठता को सिखाती। बाबूजी के लगे 5 बीघा जमीन रहल तो अपनी कर्म कमाई से 10 बीघा जमीन का दिलस, बाबू के खपड़ा के मकान रहल, माटी के मकान रहल, बेटा एक तल्ली मकान बनवा दिलस। बेटा वही होता है, औरत वही जो पति को महे समझे, मेहरारू है निमन है धरती पर बाप, जेवन अपनी पति के भगवान माने, नहीं घर से सिंगार करके निकल जा बाजार में, 4 गाल होनियों बतियाल, 4 गाल होनियों बतियाल, आ घरे आवत तो मन सेदू के दे के घूट लटका ल। ऐसी औरत भी न मिलनी चाहिए। आइए एक बेटा का चरित्र कैसा होता है मैं बताने जा रहा हूँ। बिरहा में बड़ी ऊंची बात कभी ने लिखा है, गजल की तरज कौन है मास्टर? बड़ी
ऊंची बात कभी ने लिखा है, शायक भी शायक मने घुड़सवार देखले हुई बजा, कभी कभी अगर पागल घोड़ा से भेंट हो गई चाहे जितना निमन घुड़सवार होके, शायक भी सब लहारे अब पागल तुरंगों से। सपेरा भी दस जाता, सपेरा भी बिसवाले भुलंगों से, उस बेटे की कहानी सुनाने जा रहा हूं। धुन तरज के आनंद तनिसा छोड़ा, आइए गाना के ऊपर कहानी के उन्हें समय के बाद। संतनु चले आज बन के शिकारी, राजा रहे पर बन धनुआधारी। बाबा मिला ना हिरन कोई जंगल के बीचे, गईले पहुंचे एक पहाड़ के नीचे। औरत की महक तब उनको है आई, पागल हुए गईले सुधिया भुलाई। हस्तिनापुर के राजा शांतनु नरेश मन कैले सुनकर शिकार खेले के घोड़ा पर बैठलन। गईला जंगल में दिन बीत गई, कोनो शिकार नहीं मिलल। राजा के बड़ी जोर से प्यास लगल, आ जब प्यास लगल तब मेहरारू के महक गईल उनकी नाक में। मेहरारू के जब महक आई राजा के, घोड़ा दौड़ावत लेके पहुंचला नदी के किनारे। आज जब नदी के किनारे पहुंचला तो नदी के नजारा का देखलन, बिरहा में कलन तरजबा। कभी कभी स्वर्गीय रामदेव उस्ताद से जब हमनी के बिरहा हो, ये धोन के बड़ा सधाई के गाँव है, आके सरंगिया वाली कदरवा, सरंगिया वाली साहब के उम्र का बाम लगभग 60 बरिस। जब नदी के किनारे गईला हत का देखला, अरे सवनवा की घेरे बदरिया हो, सवनवा की घेरे बदरिया, अरे गुजरिया खोजे राजा नवा।
किनारे वो 16 बरिस के लड़की, वो लड़की के गदराई जवानी, वही नदी के किनारे नाव चलावत रहल। संतनु राजा जब देखलो मल्लाह की बेटी के, इनकर होश और हवास उड़ गई। धीरे धीरे वो लड़की के बुलावला कहला कि अरे सुन ले, हमरा बहुत जोर से प्यास लगल बा, तनी पानी ना पिया दे। कलश करे हस्तिनापुर के राजा हुआ तो का हे, नदी में तो के पानी नहीं खेल उकत पिए के हम ही पिया तो पिएब। कहला कि जरा अपने कोमल हाथों से हमें पानी पिला दे। राजा दीवाना हो गया उस लड़की के ऊपर, पानी पियोलस। कहला कि तनी नाव में बैठा के हमके नदी में झिझरी खिला दे। अरे राम हरा, हमारी छाती में कई हजार कीड़ा काटा तड़ा सन। कलश की हस्तिनापुर के राजा इनकर झिझरी खेले के मन कैले बा, मैं आपके प्रजा की बेटी हूँ राजा, मैं अपने आपके वचनों का उल्लंघन नहीं कर सकती। वो नाव में बैठौला सौमला के बेटी राजा के, आज अब ओकर चढ़ल जवानी देखला राजा, ओकरे शरीर के मालियत लगावे लगलन, जैसे खेत के मालियत लगावल जाला, ओकरे जवानी के मालियत लगावे लगल संतनु राजा। कहल का एक लाइन तरज बाम, फिल्म का नाम गंगा जमुना सरस्वती। साजन मेरा उस पार मिलने को दिल बेकरार है, उस पार मिलने को दिल बेकरार है। राजा जब देखला हो मल्लाह की बेटी के सुंदरता, वो टमाटर नियर लाल लाल गाल, सुराहीदार गर्दन, सुगा की ठोर नियर नाक, मजाक शुरू कैला राजा वो लड़की से। अरे नैना शराबी तलवार बा, छतिया पलट कर दुई अनार बा, देख करके बुढ़ावा दीवाना है, सम्मा के ऊपर परवाना है, बोला सुना के का गाना है, हमको भी उस पार जाना है, तोहरी हाथ में पतवार बा, छतिया पलट कर दुनिया नार बा, पतवार बा, छतिया पलट कर दुनिया नार बा। नदी के बीच धारा में लेके आए कलश के झिझरी खेल लेला ना, कहला कि आए 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 रे, तोरा बिना अब हम जी ना सकीला। अच्छा आदमी कहता कि पहले के जमाना निमन रहल, आज के जमाना खराब बा। देखो बुढ़वा के 60 बरिस के उम्र बाम, 16 बरिस की लड़की से मजाक करत बाम। एक घड़ी की जमाना में अगर कोनो लड़का लड़की से बतियाई तो आदमी कहे कि जमाना बहुत बाउर हो गई बा। अच्छाई में का बुरा रहल हो, ललन भाई कोनो लड़की के लेके गवाते न रहल, लेकिन जमाना कहत रहल कि भाई काम ठीक नहीं के करत। अगर सोचा जाए ठीक भाई, वो लड़की के गवा के ओकर रोजी रोटी चला दे।
लेकिन आदमी बुझत रहना कि ओहो मलाई काटा था। ए घड़ी के जमाना में कोनो 60 बरिस के पुराने आदमी अगर कोनो लड़की से बतियाई तो आदमी मार चपलियाओ मार जुतियाओ थपरियाओ लगी करे। लाठी से आदमी बात करी है तुलसीदास ने लिखा है समरथ के नहीं दोष गोसाई। तुलसी ने भी कहीं कहीं ठीक लिखा और कहीं कहीं बहुत खराब लिखा। जे सामर्थवान बा दुनिया में कुछ कले कोनो दोष नहीं खे। देखे हित के संतनु राजा के नजिया के बीच चले आए तुम्हें से प्यार है बताए हैं तेरा बिना जीवन अधूरा बा तू ही एक सुन कर बू पूरा बा तुहरे से भैला प्यार बातिया पलट कर तू कालस के अरे अनार फनार के बात करता राजा तुहार मन का बा कलंक तनी एक बार और ओह पार ले चल फिर लेके आई कलंक तनी एक बार बीच धारा में लेके चल कलस की तोरा लेफलाइटिस के बीमारी नहीं खेन धैले कलंक बुझ गई ले हमसे ब्याह ना कर ले। कलस हे राजा हम गरीब जरूर है अरे आप हस्तिनापुर के राजा छत्री कुल के राजा और मैं कहा एक जात के मल्लाह की बेटी राजा हम गरीब जरूर है मगर हमारी आबरू गरीब नहीं है। कहला कि अगर ना भी आ कर बे तो इन्हें नदी में कूद के अपन जान दे दे। कलस के भाई राजवा मरिए जाई हमारे खातिर के तो मैं इस राज की एक प्रजा हूं। कलस ठीक बा राजा हम भी आ कर ले तो से लेकिन हर बेटी के मलिकार होकर बाप होला हम ब्याह तो से कर ले लेकिन हमरो एगो बात माने के परी। कलस के हम तमला के छोकरिया हो कैसे हो सैया सभी आ कले राजा लेकिन हमरे बाबू का नाम है दासाराम मल्ला तनी जा हमरी बाबूओ जी से इजाजत ले लो अगर हमर बाबू राजी हो जाए हम तो उसे भी आ कले। संतनु राजा बड़ा खुश भइले कि चलो वो मल्ला के कहा हिम्मत बाकी अपनी बेटी के ब्याह हमसे ना करी नेवरी आजा किनारे पर लगी अरे राजा हुए दीवाना बूढ़ी बाबू मरिया सबेर के बेरा भइल संतनु राजा घोड़ा पर बैठलन घोड़ा के लगाम पकड़लन हिन हिनात घोड़ा जब लेके पहुंचल उमल्ला बस्ती में गरीब आदमी दासहरा मल्ला अपने झोपड़ी में बैठ करके जाल बीनत रहल घोड़े की लगाम रोके खड़ा हो गया वह गरीब आदमी। अरे तड़के राजा आप मेरे घरे आ गए कौनो हमसे गलती तो ना हो गई क्यों हमार शिकायत ना करी हल अरे किसी से खबर दे दिए होते आ हमारे राज के मलिकार
सुबह सुबह की बेला में मेरे दरवाजे पर कलन के भाई तोरा से कौनो गलती ना भइल बा, गलती तो हमसे भइल बा कि तोहरी लड़की पर हम दीवाना हो गइल बनी। अपनी बेटी के ब्याह हमरी संगे कह दो, अगर ना करब तो हम तोहरी दरवाजा पर जहर खा के मर जाई। दासारा मल्ला की शरीर कांप गई, अरे राजा आप छत्री कुल के राजा, मैं कहां जात का मल्ला, इस समुन्दर में भांग कैसे घोराई सरकार। कल कि ना ब्याह करबे तो हम फांसी लगा के मर जाए। कल ठीक है राजा, चलिए यह शादी हमें मंजूर है, आपका मने हो गया है, अगर हमारे रोजे मर जाए है तो प्रजा के कवन दशा हुई। हम अपनी बेटी के ब्याह तो उसे करब, लेकिन हमारे को शर्त बा। सुमला है राजा, अपनी लड़की के ब्याह हम तोहरी संगे कह दे, लेकिन ही बुझब कि हम खाली मजा लेबे खतरी के ब्याह करम, तब मजा लेबे खतरी के ब्याह ना करम, आपके साथ अपने बेटी की शादी करूंगा, लेकिन हमरे बेटी या तोरे संपर्क से जवने औलाद पैदा हुई वही हस्तिनापुर की गद्दी का राजा होगा। राजा नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगा, हमार ब्याह भइल बा, हमार लड़का बा, अपने बेटे के साथ मैं धोखा नहीं कर सकता। घोड़ा पर बैठला राजा, आ गई ना महल में, रात के जब खाना उना खा के सुतला तो सुतला में राजा लव लाइटिस के सपना देखता, सपना में देखल तरह तो हे बाम आके हम है मजन के यार प्यार सिखलाई बे गोरी। राजा जब खाना उना खा के सुतल, अरे रतिया में देखल खुआ बया बपर आप चढ़ेला, अरे खेवेल नैया मला के छोकरिया, मन जस न चल शराब आप पर आप चढ़ेला। उहे दिन में जब नाई पर बैठा रहला, सपना देखा कि वो मलाह की लड़की के हम अखबारी में धैले बानी, हमार चेहरा से चेहरा सटल बा, ओकरा के पटक देले बानी अखबारी में धैले बानी, संतनु राजा के नींद टूट गई। हाय प्यारी हाय प्यारी हाय प्यारी, आह याह मर जाई मर जाई, के आवाज जब गईल केकरी कान में, केकरी देवव्रत, संतनु के लड़का देवव्रत बगल में सुतर, नींद टूट गई। हमर बाबू कई दिन से परेशान बना, ना खा तड़ा ना सुता तड़ा ना प्रेम से बोला तड़ा, बुझा तक इनकर के प्रेम के रोग धर ले लेबा, आओ मल्ला की लड़की पर दीवाना हो गई बड़न। बाहरे बेटा देवव्रत इतन जब हालात देखल तो देखे देवव्रत जब पिता के हलतिया, अरे गई मनोवत
हमर बाबू मर गई है, अगर इनकर ब्याह ना हुई तब तब बेटे की वही सार्थक जिंदगी है जो अपने बाप की खुशी में अपना सब कुछ ने उछावर कर दे। सबेर के बेरा भइल, सबेर के बेरा भइल संतनु राजा के लड़का देवव्रत पहुंच गेला दासाराम मल्लाह की घरे। अजा के कहलक कि ए नाना, दासाराम सुनलस गरीब आदमी, अरे संतनु राजा के तू लड़का हो, हमके नाना कहता। वाह वाह। कहलक कि नाना यही से कहली है कि अपनी बेटी के ब्याह हमरी बाबू के संगे कह दो। सुना दासाराम मल्लाह, कलिया इनकर बाबू आई रहला, जी हो आ गई ला। आखिरकार लड़का के बाबू के काम मन बा, हमार आबरू बिगाड़िए दीहन काम। देवव्रत ने कहा कि आपको नाना इसीलिए कहा हो कि तू अपनी बेटी के ब्याह हमरी बाबू के संग कर, ये न तुहार शर्त बा कि हमरी बेटी या तुहरी बाप से जवन औलाद पैदा हुई वे हस्तिनापुर की गद्दी का मालिक होई। ए नाना ये शर्त हमके मंजूर बा, लेकिन तू शादी कर अपनी बिटिया के, बेटा हो तो ऐसा अपने बाप की खुशी के लिए। देवव्रत ने दासाराम मल्लाह से एक बात कहा, तरज कवन बाम कहरवा गीत बाय के पहले गावल जा के शर्त बाम के माई बेटा जो जन्माई राजा बनी है भाई, हर सैलो बाबू जी, हर सैलो बाबू जी, हर लो शादी कैले, हर सैलो बाबू जी। देवव्रत तुहरी बेटी से हमरी बाप की संपर्क से जवने औलाद पैदा हुई उहे हस्तिनापुर की गद्दी का मालिक होई, ये हमार प्रतिज्ञा बा। अपनी बेटी के ब्याह कर, हम वादा करतनी कसम खातनी ता जिंदगी न ब्याह करब, न हमार कोनो औलाद पैदा हुई, न हस्तिनापुर की कुर्सी खाती के झगड़ा हुई। भीषण प्रतिज्ञा किया देवव्रत ने, वही समय से देवव्रत के नाम बदल के भीष्म पितामह हो गए। संतनु राजा मल्लाह की बेटी से ब्याह कैला समयोपरांत जब कुछ दिन समय बीतल बाप, अरे जन्म राजा दुई ठेला नवा मनवा पागल बाप, अमाई की सेवा में हाजिर नवा मनवा पागल बाप। Thank you.
कहिला संतनु राजा ई मन है भैया। समय कुछ दिन बीतल, संतनु राजा मल्लाह की बेटी के संपर्क से दूगो लड़का पैदा भइलन। पहला के नाम विचित्र वीर, दूसरा के नाम चित्रांगद। दोनों भाई जब जवान भइलन, वही समय बनारस के राजा काशी नरेश अपनी तीनों बिटियन के स्वयंवर चले रहलन। अम्बा अम्बे अम्बालिका के देश के राजा के निमंत्रण भेजौलन, हस्तिनापुर के संतनु राजा को निमंत्रण नहीं भेजवाए। काहे हो ए लिए क्यों मल्लाह की लड़की से ब्याह कैले बारन, निमंत्रण पत्र ना भेजलन। स्वयंवर के दिन परल, भीष्म पितामह क्रोधावेश में पागल होकर के घोड़े पर बैठे आए काशी नरेश के यहाँ। देश के बड़े बड़े राजा महाराजा पहुंचे हैं, केकरा के उ लड़की अपन दुल्हा चुनी है, ऐसे बढ़िया बाप बाण चला के मरला जवन ताज सामने टांगरल। गिर करके धरती पर आ गया, तीनों लड़कीन के घोड़ा पर बैठौलन। हरण करके ले अले भीष्म पितामह हस्तिनापुर में। तवन मल्लाह की लड़किया से दूगो लड़कवा पैदा भई रहलन, बिटियन के जीत ले ले काशी नगर से। दूसरे शादी कैले, पहली रह गई हुनर से। बच गई अम्बा रूप के खजनवा मनवा पागल बाप, चाहे ली उनके अपन सजनवा मनवा पागल बाप। ब्याह करा दिए भीषम, लेकिन अम्बा सबसे खूबसूरत लड़की थी। कालस किए भीषम अपहरण करके ले अले, तो हमारी दोनों बहनियन के ब्याह कर दिया। ए चढ़ल जवानी में अब हम कहा जाई, हमार साल वो नरेश से प्यार चलत रहा, तो वो हमके ठुकरा दे। तो जब हरण करके ले अले तो हमसे ब्याह कर लो। कहो भीषम कि मैं ता जिंदगी कसम खाया हो, अपनी शादी नहीं करूंगा। कल से मऊगा दास, तब अब हम कहा जाए। तोरी गाड़ी में जोर रहा पहरण को के ले ला, तब हमें जवानी के ले के कहा जाए। कहलन कुछ भी हो जाएगा, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। कहलन कहा चल। भीष्म पितामह के गुरु परशुराम फरसा वाले के पास कलश कितनी अपनी चेला से समझा दो, अपहरण करके तुहार चेला हमके ले आइल। ए चढ़ली जवानी में अब तो हमने घर के भैली न घाट के कहा जाई। फरसा उठा लिए परशुराम, बोलो बोलो भीष्म के क्यों नदानी कर रहे हो, हमारे चेला हो और ये लड़की रो रही है, इसका अपमान होगा, कर ले शादी। भीष्म राजा कलन के गुरु जी, सूरज पूरब में नहीं पश्चिम में उदय हो सकता है, ये धरती रसातल को जा सकती है। अरे बोले चाहे रवि शशि धूर बदल जाए, अरे चाहे बदल जाए माई गंगा जी के धार, हर पर नहीं बदली हमारे पर बाबू गुरु
अभी सामने पूरब का सूरज पश्चिम में उदय हो सकता है, धरती रसातल को जा सकती है, लेकिन एक बाप की खुशी के लिए कसम खा लिया आपका चेला, ता उम्र शादी नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा। गुरु चेला में लड़ाई शुरू हो गई। आखिरकार लड़ाई के मैदान में चेला के सामने गुरु के हार भइल। उसी समय अम्बा श्राप देती है, जाओ भीषम औरत जात से इतनी तुम्हें नफरत तो तुम्हारे मौत का कारण औरत बनेगी। अरे दिहली अम्बा साहब औरत से मुख हो बयाब तो तुहरो झुक जाई हुई शिखंडी था हिजड़ा कारू। अरे उसी भेष में आई देख ले अम्बा के स्वरूप धैल धनु समर के बिचवा। महाभारत की लड़ाई चल रही थी, कौरवों के तरफ से सेनापति बनाए गए थे भीषम दादा। वही अम्बा मरकर के दूसरे जन्म में शिखंडी हुई जो हिजड़ा का रूप था। आता है शिखंडी लड़ाई के मैदान में। भीष्म दादा ने प्रतिज्ञा किया था कि जंगे मैदान में अगर मेरे सामने औरत आ जाएगी हथियार डाल दूंगा। अम्बा वाली बात याद आई लड़ाई के मैदान में भीष्म दादा के। महाभारत की जंग हुई सेनापति भैले दादा अरे कोहरो मच गया धरातम पर लई है बुझाता सुनील कृष्ण की कहानिया समर के बिचावा। हथियार डाल दिए भगवान कन्हैया जदवंश महानायक। मुरली वाले ने कहा कि अर्जुन अब क्या देख रहे हो, हथियार डाल दिए भीष्म ने, बाण पर बाण के वर्षा हो बाबाओं की सरसैया पर पड़े हैं भीष्म दादा। समर भूम में अर्जुन जी मारे बाण पर बाण अरे बाण के नीचे सैया धरती ऊपर बड़े समान तम वाले कर रही है पार्वती समर के बिचवा। पश्चाताप कर रहे हैं भीषम दादा। तो बेटा हो तो ऐसा जो अपने बाप की खुशी के लिए अपनी जिंदगी को दांव पर लगा दिया। अच्छा यहू जमाना में हमार तुहार बेटा हुआ कब तलैका नाराज हो अंसन बाबू द्वार पर बैठल हुआ पुरान हो गई मना चल नहीं खेजा दे बेटा तनी एक लोटा पानी ना दो। वो कान में मोबाइल सटौले बना से वही में गाना बजाओ तारा सब पल पल माने टिंकू जिया इश्क के मंजर घिसे पिया। बाबू पानी मांगे तारा वो सारे गाना बजाओ तारा सब पूछ दे हो सकी का करो बो कही दे कि प्यास लगल बतनी एक लोटा पानी ना दो। कहा तारा सब चापा कर लिखा देखा जाके पी लो। आजकल के वंश होन। एक दिन हमार बिरहार अलगा के आवत रही घरे अपनी चट्टी पर से रास्ता में एगो आदमी भेटाइल दाढ़ी मोच कपार के बार छिलौले रहल। गाड़ी देखलस दौड़ के आयल कहलस भैया गायन तनी गाड़ी रोक। गाड़ी रोकली कहली का भैया ई तुहार कवन दशा बा। कहलस का कही भैया हमार बाबू मर गईलन। कहली ठीक है तबा उम्र हो गई रहल 75-80 बरिस के परिचिते आदमी रहलू समय समर गिलन तो के सेवा करे के ना पड़ल। ये कही के लागल भोकर भोकर रोवे। हम कहली भैया समय से मोल हो काहे रोवत तड़ा। कल से भैया हम एक हदी के नहीं खिरोवत कि हमर बाबू मर गिलन। हमर बाबू जियत रहला त 12,000 रुपया पेंशन मिलत रहल अब पेंशन या ना मिली। कहली कि जाए सार तू हुए गो बन से बड़ा बाबू के मोला खादी के नहीं खा रोवत और रुपया खादी के रोवत जिंदगी भर तुहार बाबू नौकरी करके रुपया देलन।
अब वो पिंसनियों की फेरे परल बड़ा कि अगर जी गई रहता तो पिंसनिया मिली तो के बाबू के मोला के दुख नहीं के। तो आजकल के ऐसा बेटा हुआ अपने बाप की खुशी के लिए, वह बेटा था जिंदगी शादी नहीं किया तो बेटा हो तो ऐसा मेरे मित्रों आखिरी लाइन में कभी का भाव है कुसुम पर हाथ दे उड़ा।